नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जो कि देख रहे हैं ये आर्मेचर देख रहे हैं किस पंखे का है। आपको यदि नए हैं तो अंदाज़ा तो नहीं होगा, और जो लोग पुराने देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि दोस्तों इस किस पंखे का ये आर्मेचर है। तो दोस्तों यदि आप नए हैं और नए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों मेरे इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों ये 150 mm का आर्मेचर है, देख रहे हैं 150 mm का आर्मेचर है, स्केल से नाप रहे हैं और करीब करीब आधा इंची ले थोड़ा सा ये ज़्यादा है। और ये इसका क्वाइल है, क्वाइल तो जला हुआ था, इसको कट करके निकाल दिए हैं आर्मेचर के बाहर से। दोस्तों एक क्वाइल को जलाकर हम गिनती कर लिए हैं, 300 टर्निंग है और 300 टर्निंग बनना, जिसमें पॉलिश रहता है। और ये 35 नंबर का क्वाइल लिए हैं और ये वाला 35 नंबर का देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 36 नंबर का क्वाइल है। दोनों क्वाइल को हम रिंग बनाकर इसको जला लेंगे, 35 नंबर का है और ये 36 नंबर, दोनों क्वाइल को रिंग बनाकर इसको माचिस ले जला लेंगे जिस पर पॉलिश रहता है। और पहले वाला जो क्वाइल को जलाए थे तीनों को हम साइज मिलाकर इसको चेक कर लेंगे किस तरीके से है। वायर को हल्का हल्का रिंग बना लेंगे, रिंग बनाने के बाद में दोनों वायर को इसी तरह से रिंग बना लेंगे। और रिंग बनाकर दोस्तों हम दोनों वायर को माचिस ले जला लेंगे। और जो पहले वाला आर्मेचर से क्वाइल जला हुआ निकला था उसको हम जला लिए हैं पहले से, और ये दोनों वायर को हम जला लेंगे और मालूम करेंगे कि कौन साइज का मेरा वायर पहले बंधा हुआ था, उसी नंबर का हम जो वायर है वायर से बांधेंगे। दोस्तों ये कॉपर का वायर है और अल्मीनियम यदि रहता तो ये पघिल कर ख़त्म हो जाता, और कॉपर को जलाने के बाद में नहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसको हम साइज मिला लेंगे और वायर को नापने वाला वायर गेज भी आता है, उससे भी आसानी से नापा जाता है। तो दोस्तों हमारे पास वायर गेज तो नहीं है, इसे हम कैसे मालूम करें कि कितने नंबर का वायर है। तो दोस्तों इसको हम मालूम कर लेंगे 36 नंबर का वायर से 300 टर्निंग है इस क्वाइल का, और देख रहे हैं लकड़ी का चार्ट जो लिए हैं। और इस वक्त दोस्तों घर पर हल्का फुल्का काम कर लेते हैं, जो कि पहले से मेरे पास आर्मेचर पड़ा हुआ है और जो 36 नंबर का वायर है इससे हम क्वाइल का गेज निकालेंगे कि किस साइज में क्वाइल बनाना है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से 36। तो दोस्तों चलते हैं, हम क्वाइल का डाटा कैसे निकाले। तो दोस्तों यहाँ पर हम 36 नंबर का एक क्वाइल का एक पहला जो सिरा है यहाँ पर पकड़ लेंगे और कोई भी स्लोट में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं इस यहाँ पर अंगुली से पकड़ लिए, पकड़ने के बाद में यहाँ पर स्लोट से वायर जो निकला हुआ है और यहाँ पर भी एक अंगुली से पकड़ लेंगे, जिस स्लोट में वायर घुसा है वो स्लोट छोड़कर 6 स्लोट गिनती करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर स्लोट में वायर को हम घुसा लिए हैं, और घुसाने के बाद में यहाँ पर ये स्लोट वाला छोड़कर दूसरे स्लोट ले हम गिनती करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्लोट छोड़कर 7वें स्लोट में लगाना है। तो दोस्तों ये 7वां स्लोट में हम यहाँ पर वायर को घुसाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पर घुसाने से पहले अंगूरी से पकड़ लेंगे और पेपर के ठीक ऊपर साइड करके क्वाइल को ऐसे पलट लेना है। पलटने के बाद में 7वां स्लोट में यहाँ घुसा लिए और वायर को थोड़ा लंबा कर लेंगे, और घुसाने के बाद में देख रहे हैं बीच में 6 स्लोट छोड़ दिए हैं, 1 2
तीन चार पाँच छः और छः स्लॉट छोड़ के सातवां स्लॉट में हम लगाए हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर भी पलट लिए, पलटने के बाद में जहाँ से स्टार्ट किए थे कॉइल को घुसाने शुरू किए थे, देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इसमें ना घुसाकर यहाँ एक दूसरा स्लॉट में हम घुसाएंगे उसी तरीके से पेपर के ऊपर साइड कर कर, और इसमें जो वायर है वायर को घुसाकर और इसी तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद में दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर पलट लिए और पलट लिए हैं यहाँ पर, और देख रहे हैं यहाँ पर भी उसी तरीके से अंगूरी से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद में दोस्तों गिनती कर लेते हैं, यहाँ से देख रहे हैं छः स्लॉट छोड़े हुए हैं और यहाँ पर जो वायर घुसाए हैं उसको ठीक हटकर दूसरे स्लॉट में घुसाना है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर हम घुसा रहे हैं, इसमें घुसाकर ठीक पलट लेना है। पलटने के बाद भाई यहाँ पर भी एक अंगुली से पकड़ लेना है ताकि वायर जो है वायर यहाँ पर पकड़े रहे ताकि वायर छोटा ना हो। और उसी तरीके से बारी बारी से तीन कॉइल बना लेना है और पेपर को ऊपर ही करके इसको स्लॉट में घुसाना था। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर भी हम फिर इसको घुसा लिए, घुसाने के बाद में और फिर गिनती करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट कॉइल घुसाना है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर घुसा लिए, जो कि तीन कॉइल यहाँ से कंप्लीट हो गया। और इस साइड भी देख लेते हैं कि तीन कॉइल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट जहाँ से किए हैं वहीं पर कट कर देना है वायर को, यहाँ से स्टार्ट किए हैं यहीं पर कट कर देना है। और देख रहे हैं बीच में जो स्लॉट है एक तीन को कॉइल हो गया और बीच में छः स्लॉट छोड़ दिया है, और यहाँ पर वायर को जहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पर वायर को ऐसे यहाँ पर कट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कट कर दिए, कट करने के बाद में फिर इसको देख रहे हैं गिनती बारी बारी से देख ले ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और इस साइड भी तीन को कॉइल हो गया, दोनों तरफ तीन तीन कॉइल हो गया बिल्कुल, और बीच में छः स्लॉट छोड़ दिए हैं। और इसके बाद में फिर इसको वायर को हम निकालेंगे, तीन तीन कॉइल होता है जो कि इसमें घुसाना है। वायर को यहाँ से कट कर दिए है, इसको वायर को हम फिर स्लॉट से बाहर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में एक इससे साइज का, जितने साइज का ये वायर है इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का लकड़ी का चार्ट ले लेंगे, और जो वायर है वायर का दोनों सिरा एक में पकड़ लेंगे इस तरीके से। और पकड़ने के बाद में दोस्तों इसको एक कंगुली से पकड़ लेंगे इस तरीके से पकड़ ले, और देख रहे हैं लकड़ी का चार्ट यहाँ पर कांटी हम पहले से फिट किए हुए हैं, और इसको इस तरह से साइज मिलाना है कहाँ तक इंड हो रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से इंड हो रहा है, यहाँ पर हम एक जो स्लिप करे जिस कांटी में रुखर टाइप का ना हो, जो चिकनाहट टाइप का जो एक कांटी हो उसमें हम लगा लिए हैं। लगाने के बाद में दोस्तों देख रहे हैं साइज ले बिल्कुल एकदम सही है, और इसको हथौड़े से थोड़ा सा अंदर घुसा लेंगे ताकि वायर लपेटते समय ये ढीला ना रहे। और यहाँ पर जिस साइज का मांगेगा स्लिपिंग, यहाँ पर दो नंबर का स्लिपिंग मांग रहा है, इसमें स्लिपिंग लगा लिए इसलिए कि दोस्तों वायर को निकालते वक्त वायर कहीं से कटे ना और आसानी से वायर बाहर निकल जाए। और ये लकड़ी का जो चार्ट लिए हैं, चार्ट पर ऐसे एक जो वायर से नापे थे वो वायर को इसमें यूज कर लेंगे हम। तो दोस्तों इसे लकड़ी के चार्ट पर वायर को पकड़ लेंगे, और जो 36 नंबर का वायर है यहाँ पर जो सिरा स्टार्टिंग सिरा है यहाँ पर ऐसे ये कंगुली से पकड़ लेंगे। और
जो क्वाइल है क्वाइल को नीचे रख लेंगे ताकि लपेटते वक्त आसानी से जो लकड़ी का चाट है इसमें लपेट सके। और यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, देख रहे हैं, ऐसे स्टार्ट करना है, गिनती करना है। और गिनती करते वक्त दोस्तों एक कॉइल जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं पर इन करके एक कॉइल को एक टर्न मानेंगे और ऐसे करके 300 टर्निंग इसमें कॉइल को गिनना है। गिनने के बाद में दोस्तों जो वायर को हम लकड़ी पर पकड़े थे, देख रहे हैं ये वाला वायर जो लकड़ी पर ऐसे पकड़े थे, इसको छोटा सा पेचकस ले या कोई भी छोटा सा चिमटा हो, चिमटा से यहाँ पर ऐसे दोनों वायर को अलग अलग करके यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। लगाने के बाद में वायर को ऐसे करके जो वायर पकड़े हुए थे वायर को बाहर ऐसे निकाल लेंगे। निकाल कर दोस्तों इसको एक कॉइल को बांध लेंगे हम। वायर के बदला में आप धागे से भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम धागे से ना यूज करके जो वायर का टुकड़ा किए थे उसी से हम इसको काम कर लिए और यहाँ पर वायर को बांध कर जो कॉइल है कॉइल को बांध कर यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद में दोस्तों जो कॉइल का स्टार्टिंग किए हैं वो काटे ना, देख रहे हैं ये काटे नहीं है। उसी तरीके से दोनों वायर को पकड़कर फिर उसी तरीके से राउंडिंग करना है, 300 टर्निंग गिनना है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से इसे यह स्टार्ट करेंगे। एक एक कॉइल हो गया, से दो कॉइल होगा, इसी तरीके से 300 टर्निंग बनाना है दोस्तों। इसी तरीके से कॉइल बनाना है और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कॉइल को कैसे आर्मेचर में भरा जाता है, कैसे लगाया जाता है बतलाएंगे। पहले कॉइल को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कॉइल को कंप्लीट कर लिए। करने के बाद में उसी तरीके से वायर को निकाल कर इसको बांध लेना है। एक स्लोट में एक आर्मेचर जो हाई स्पीड का दो ब्लेड वाला जो पंखे हैं उसके लिए ये कॉइल लपेटा जा रहा है। और जो एक हाई स्पीड का पंखा है उसके लिए दोस्तों इसमें चार कॉइल की आवश्यकता होती है। और जो कि ये रिंग कॉइल बोला जाता है, और इसमें आप अलग अलग से भी कॉइल बनाकर डालेंगे तो दोस्तों 12 को कॉइल लगता है अलग अलग साइज का। इसमें हम केवल चार ही कॉइल बनाएंगे, जो कि लंबा वायर को हम करके और राउंडिंग करके इस आर्मेचर में लगाएंगे। और दोस्तों कॉइल कंप्लीट होने के बाद में जो स्लिपिंग लगाए थे वहाँ से पहले निकाल कर यहाँ पर दोनों कॉइल का अलग अलग करके भाग को और यहाँ पर पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में जो मोड़ है मोड़ को सीधी कर लेना है ताकि कॉइल अच्छा लगे और आर्मेचर में घुसाने में आसानी से घुस जाए। देख रहे हैं यहाँ पर भी मोड़ था, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। और दोस्तों एक कॉइल कि स्टार्टिंग का एक कॉइल, दो कॉइल इसमें है, स्टार्टिंग का एक कॉइल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में रनिंग का दो कॉइल बनाएंगे। हर पंखे में स्टार्टिंग और रनिंग दो मैग्नेट बनता है, और दो मैग्नेट बनाने के लिए अलग अलग भाग कर कर कॉइल बनाया जाता है। तो दोस्तों आशा है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो आर्मेचर है आर्मेचर में कॉइल को लगाकर दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये रनिंग के लिए एक और कॉइल हम
दो और कॉइल बना रहे हैं जो कि एक में ही सीरीज लगेगा। दो कॉइल एक ही में सीरीज रहता है। इसको कट भी कर सकते हैं और कट यदि करेंगे इसको फिर जोड़ना पड़ता है, और कट नहीं करेंगे तो दोस्तों इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि सीरीज हो गया, और कट करेंगे तो उसको ही सीरीज बनाना है। दोस्तों देख रहे हैं ये कॉइल, इसका भी हम कंप्लीट कर लिए हैं, और करने के बाद में जिस तरीके से चिमटा हो या पतला पेचकस हो निकाल कर कॉइल को बांध लेना है, और धागे से भी बांध सकते हैं, दोनों तरफ भी बांध सकते हैं, दोनों तरफ बांधिएगा तो और अच्छा रहेगा। और देख रहे हैं और दूसरा कॉइल इसी पर हम सीरीज में लपेट रहे हैं। इसको भी 300 टर्न देना है। रनिंग स्टार्टिंग में दोनों कॉइल जो बनता है 300 टर्निंग देना है इसमें, और इसको भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। और कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से कट कर देना है, और कट करने के बाद में देख रहे हैं इसको चार कॉइल को हम कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉइल को कैसे लगाया जाता है उसके बारे में पूरा वीडियो पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।